हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और केरला ब्लास्टर FC का जो मैच है, इसी मैच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल का वीडियो में ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो 6 अप्रैल का मैच है केरला ब्लास्टर FC और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का मैच, इस मैच में केरला ब्लास्टर FC का कोई फॉरेनर प्लेयर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ऐसा केरला ब्लास्टर FC का हेड कोच ने स्टेटमेंट दिया है। और कल का मैच में ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए एक एडवांटेज है, ये मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। केरला ब्लास्टर FC का लास्ट मैच केरला ब्लास्टर FC और ईस्ट बंगाल FC के बीच जो मैच हुआ था, इसी मैच में भी केरला ब्लास्टर FC का 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिला था, ये भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए एक एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ये मैच कहाँ होगा, कितने टाइम पर होगा। गाइस, कल का मैच होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का होम ग्राउंड पर इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी, और कल का मैच स्टार्ट होगा 7:30 PM। लाइनअप के बारे में बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कल का मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का किन किन प्लेयर्स अवेलेबल होगा और किन किन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होगा। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का गोल्डन बॉय पार्थिव गोगोई के बारे में। गाइस, पार्थिव गोगोई कल का मैच में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और मुंबई सिटी FC के बीच मैच थे, इसी मैच में पार्थिव गोगोई को रेड कार्ड मिला था, और इसी के चलते कल का मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गोल्डन बॉय पार्थिव गोगोई को मिस करेगा। और इसके बाद टॉमी जुरिक और हमजा रेगरागुई भी अभी ठीक हो चुका है, इंजरी से वापसी कर चुका है। तो कल का मैच में टॉमी जुरिक और हमजा रेगरागुई भी अवेलेबल होगा, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सारे प्लेयर्स फिट है। लाइनअप के बारे में बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का हेड कोच जुआन पेड्रो बेनाली 4-2-3-1 फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर गोलकीपर के पोजीशन में गुरमीत सिंह, सेंटर बैक के पोजीशन में आसिर अख्तर और जेबाको, राइट बैक के पोजीशन में दिनेश सिंह और लेफ्ट बैक के पोजीशन में सामते। सेंटर मिडफील्ड के बारे में बात किया जाए तो मोहम्मद अली बिमेमार और मेकार्टन लुइस निक्सन। अटैकिंग मिडफील्डर के बारे में बात किया जाए तो नेस्टर एल्बियास, लेफ्ट विंग के बारे में बात किया जाए तो जिथिन MS और राइट विंग में रिदीम तलांग, और स्ट्राइकर के पोजीशन में टॉमी जुरिक। कल का मैच में शायद जुआन पेड्रो बेनाली इसी फॉर्मेशन में उतरने वाले हैं। आई होप ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जीतेगा, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को टॉप 6 में बने रहने के लिए ये मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। और इस मैच के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जय अहोम, वंदे मातरम।